हेलो गाइस, गाड़ी है मारुति SX4 और इसका करेंगे एसी का काम। इसकी है कूलिंग कोयल लीक, तो कूलिंग कोयल चेंज करेंगे। तो बिना डैशबोर्ड खोले ही इसकी निकालेंगे, कूलिंग कोयल खुल जाती है। तो ये गियर लीवर का जो कंसोल होता है, सबसे पहले हमने इसका ये खोल लिया। उसके बाद में जो इसकी क्रोम की पट्टी होती है, दोनों ये हटाएंगे पिन पेचकस से। वो दोनों साइड की पट्टी पिन पेचकस से बहुत ही प्यार से निकल जाती है, टूटेगी भी नहीं और निकल भी जाएगी। ये निकल, अब जो इसके ये पेच नज़र आ रहे हैं, सगले पेच खुलेंगे दोनों साइड के। इसका निकालेंगे स्टूडियो, और स्टूडियो के कपलर भी जैसे बहुत प्यार से। और निकालेंगे इसका एसी वाला पैनल। इसमें ये राइट साइड में दो 12 नंबर के बोल्ट ऊपर की तरफ और दो नीचे की तरफ ये खुलेंगे, और सेम लेफ्ट साइड की तरफ ये दो बोल्ट नीचे की तरफ हैं 12 नंबर के और दो ऊपर की तरफ, इन्हें खोलेंगे। और इसमें ये नीचे साइड लगी हुई है पावर स्टीयरिंग की डिब्बी। ये पावर स्टीयरिंग की डिब्बी के चार बोल्ट 10 नंबर के ये दोनों साइड से खोलेंगे। अब चलते हैं एसी बॉक्स की तरफ। जो इसमें ये पेच नज़र आ रहे हैं, एक ये और इसके बराबर में जो लॉक है, और ये नीचे की तरफ ये 10 नंबर का बोल्ट और ये पेच, तीन इधर की साइड है। ये लेफ्ट साइड में 10 नंबर का बोल्ट नीचे की तरफ, एक ये ऊपर की तरफ, ये दोनों बोल्ट लेफ्ट साइड से खुलेंगे 10 नंबर के। तो पेच और बोल्ट खुल चुके हैं। अब इसे हल्के हाथ से बॉक्स करेंगे नीचे की तरफ बहुत ही प्यार से। और जो इसका अंदर के साइड का जो हिस्सा होता है, उसमें होते हैं दो लॉक। दबाने के बाद में बहुत प्यार से ये आ गया हमारा एसी बॉक्स का कवर बाहर की तरफ, और ये निकलेगी इसकी अब कूलिंग कोयल। थर्मास्टेट का सेंसर बचा हुआ है, ये निकल गई कूलिंग कोयल हमारी बहुत प्यार से बिना डैशबोर्ड खोले हुए। और देख सकते हो कूलिंग कोयल की क्या स्थिति है, बिल्कुल बेकार हुई पड़ी है, गली हुई पड़ी है और ये लीक भी है। ये वो दो लोग हैं जो अंदर की तरफ होते हैं, इनमें फंसे हुए होते हैं, हल्का उंगली के सहारे से बहुत प्यार से निकल जाते हैं, ज़्यादा खींचतानी करेंगे तो टूटने का खतरा है। MGB की जेनुइन कूलिंग कोयल, वो जो जेनुइन कूलिंग कोयल का मज़ा होता है वो लोकल में नहीं आता, जेनुइन ही होती है। इसकी जेनुइन कूलिंग कोयल है मारुति की, इसे करेंगे फिट। एक्सपेंशन वाल खोल के पुराना ही लगाएंगे सफा करके, क्योंकि एक्सपेंशन वाल इसके साथ आता नहीं है और एक्सपेंशन वाल ख़राब भी नहीं है, तो एक्सपेंशन वायर लगाएंगे यही, इसको फिट कर देते हैं। एसी कवर धो करके कर दिया अच्छे तरीके से साफ, क्योंकि खुला हुआ है तो साफ हो जाए अच्छा रहेगा। ये भी कर दिया साफ। नई कूलिंग कोयल लगाने से पहले थर्मास्टेट का कपड़ा जरूर वगैरह हटाएंगे इसकी, बहुत ही प्यार से कूलिंग कोयल बैठ चुकी है और एक्सपेंशन वायर टाइट कर रही हैं। वापस कवर लगाएंगे इसका बहुत प्यार से, ये बैटरी कवर एकदम ओके। अब लगाएंगे इसके पेच जो खोले थे।
बोल्ट लगा दिया तुमने साथ रख। पर इसे डाल के चेक करेंगे जॉइंट एक्सपेंशन वाल का, वो बिल्कुल ओके है। अब करेंगे वैक्यूम। तो गाइस सगली फिटिंग कंप्लीट एकदम गाड़ी की। डालेंगे गैस, अब डाल लिया गैस फ्लोर ऑन की, सबसे बढ़िया एकदम बेस्ट। और कूलिंग भी एकदम मस्त कर रहा है, पानी मार रहा है चिल्ड। तो ये गाइस महसूस कर सकते हो कूलिंग एकदम बढ़िया कर रहा है, और खड़ी गाड़ी पे हवा का फ्लो अगर कम रखेंगे तो कूलिंग अच्छी करेगा। हाई स्पीड में हवा जा जाती है, कूलिंग कम आती है। एकदम चिल्ड मार रहा है गाइस ये रहा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। ताज कार एसी इलेक्ट्रीशियन नोएडा।